नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपका गुड लक राशिफल सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार उपाय। प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताएंगे आज का पंचांग, उसके बाद आपको बताएंगे आपका गुड लक उपाय, राशिफल के बीच में आपको बताएंगे बर्थडे का गुड लक उपाय और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे आज का महागुड लक उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे पंचांग की। तो आज शनिवार का दिन है, तारीख है 9 नवंबर 2019। कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर चंद्रमा मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। राहुकाल रहेगा सुबह 9:24 से लेकर 10:44 तक। शुभांक रहेगा आज के लिए 5। शुभ रंग रहेगा हरा। शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक। विशेष क्या है, तुलसी विवाह है, बहुत खास दिन, भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का बहुत खास दिन, अबूज मुहूर्त। दिन को और बेहतर बनाने के लिए, आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए अब क्या है आज के आपका गुड लक उपाय, ये जान लीजिए। शाम के समय घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में तेल का दीपक जला लीजिए, सारे के सारी देहिक पीड़ा दूर हो जाएगी। बात करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज की। किसी खास व्यक्ति से आपको सहयोग मिलेगा, आपके कामों की खूब तारीफ होगी, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। आज जो भी काम शुरू करेंगे समय पर पूरा हो जाएगा। उपाय के तौर पर क्या करें, काले मोजे पहने। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। आपका मन आज सोशल वर्क की तरफ लगेगा, स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलेगी, धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर मिल सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें, आप लिखने के लिए काले पेन का इस्तेमाल करें। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमुना की। रिश्तों में मधुरता आएगी, काम में सफलता हासिल होगी, किसी समारोह में जाने की आप प्लानिंग बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर क्या करें, काले गुलाबी शेड के कपड़ों का कॉम्बिनेशन पहने। बात करते हैं चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। आज स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहेगी, किसी से बातचीत में तरीका आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। पैसों के लेन देन में आपको अलर्ट रहना है थोड़ा सा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी रहेगी, एक उपाय जरूर करें, लौंग कपूर से जलाकर तुलसी के पौधे पर धूप करें। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं, घरेलू खरीदारी पर पैसा खर्च हो सकता है, किसी अजनबी की वजह से मूड आपका ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बनाए रखें। उपाय के तौर पर क्या करें, चावल के दानों पर नील लगाकर जल प्रवाह कर दीजिए। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गो की। आज रुके हुए कामों में दोस्तों की पूरी मदद मिलेगी। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गो की। आज रुके हुए कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी, आपको किसी अपने से कोई खुशखबरी मिल सकती है, रुके हुए पैसे आज आपको वापस मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में अच्छा लगा रहेगा। उपाय के तौर पर काली मिर्ची से बने कुछ पकवान खा लीजिए। बात करते हैं बर्थडे के गुड लक उपाय की। क्या करें आप, तुलसी माता पर लाल चुनरी चढ़ाइए, प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी आपको। बात करते हैं सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। किसी मामले में आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, करीबियों को फायदा हो सकता है, मुसीबतों से दूर रहेंगे, पेंडिंग काम के कारण आपको टेंशन रह सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें, किसी हरे पेड़ पर मुट्ठी भर तिल चढ़ा दीजिए। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। सोसाइटी के लोग आपके पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस होंगे, कोई रिश्तेदार आपके घर बिना बुलाए आ सकता है, खैर बिना बुलाए आए अतिथि देवो भव, लेकिन घर में इसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा माहौल बन जाएगा हंसी मजाक का, आपकी हेल्थ अच्छी तरह रहेगी। उपाय के तौर पर क्या करें, काले शेड के कपड़े पहनकर घर से निकलें। उपाय के तौर बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। ऑफिस में आपके कॉन्फिडेंस से आपके बॉस बहुत खुश होंगे, नए काम की शुरुआत से आपको प्रॉफिट होगा, अचानक कहीं से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, पैरों में जो दर्द चल रहा था पिछले दिनों में उसमें कुछ आपको राहत मिलेगी, ठीक ठाक सी हेल्थ बनी रहेगी। उपाय के तौर पर क्या करें, कागज़ पर पीले स्केच पेन से शम लिख कर तिजोरी में रख दीजिए। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आज जो आपने प्लान किए हुए काम हैं आज वो पूरे हो सकते हैं, परिवार में सुख शांति का माहौल बना रह सकता है, शाम को अपने ही विचारों में आज आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं। और उपाय के तौर पर क्या करें, दैनिक पूजा पाठ में तेल का इस्तेमाल करें। बात करते हैं ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि स्कॉर्पियो की।
आज अपनी काबिलियत से काम पूरा करेंगे, जीवन साथी के साथ कोई मूवी देखने जा सकते हैं, ऑफिस में कामों से जूनियर से मदद मिलेगी, आपकी राय से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। उपाय के तौर पर क्या करें, तेज पत्ता पर केसर लगाकर पर्स में रख लीजिए। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की। दोस्त निजी समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे आपकी। सोशल नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है, हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। दूसरों की बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, नारियल पर काला धागा लपेट कर किसी बच्चे को भेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब समय आज के महा गुड लक टोटके का। क्या करें हम, शालिग्राम जी पर तुलसी पत्ता चढ़ाकर जल प्रवाह कर दीजिए, इससे मुसीबतें दूर होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोता। नमस्कार।